तमाम बॉलीवुड अदाकारा रह चुकी हैं, 70-80 के दशक में इन्होंने धूम मचाई थी। पहली फिल्म जब रिलीज हुई थी दम मारो दम, आज भी वो जो गाना है तमाम पार्टियों में चलता है। नमस्कार जीनत मैडम। नमस्कार। और मेरी जो मुलाकात हुई है यहाँ की लेडीज से, तो टू मी दिस सिग्निफाइज अमृतसर, द लेडीज ऑफ अमृतसर हु आई हैव मेट विद एंड आई हैव कनेक्टेड, इतनी हसीन है, खूबसूरत है, ये अपने काम में यू नो डू व्हाट एवर बिजनेस दे डूइंग कामयाब हैं, जिम्मेदार हैं, और इतनी जो वार्म्थ और अफेक्शनेट और मेहमान नवाजी जो मैंने महसूस किया है शायद कहीं पूरे हिंदुस्तान में महसूस किया हो। सो कंग्रेचुलेशंस ऑल यू ब्यूटीफुल लेडीज, फिकी फ्लो, यू मेड दिस ट्रिप सो मेमोरेबल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जीना जी, आप पहली बार अमृतसर आई हैं, इससे पहले भी आ चुकी हैं? जो मैं पहले आई थी मुझे याद ही नहीं था कि मैं कब आई और किस वजह से आई, तो आपने याद दिलाया तो अब पता चला। बट दिस ट्रिप इज एक्सेप्शनल, इट रियली मींस अ लॉट। आप कुछ मैसेज महिलाओं को देना चाहें, इन सुंदर महिलाओं? जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज़ यू गर्ल्स रॉक। थैंक यू। यू गर्ल्स रॉक, यू आर सो गुड एट व्हाट यू डू। थैंक यू। और यहाँ के लोग और यहाँ का खाना, आपके कुलचे, आपका लस्सी, वाओ। हैव यू ट्राइड एंड एंजॉयड? या नो, नॉट बिफोर, आफ्टर आई केम हियर, यू नो, अमेजिंग। एंड यू नो, और जो हम लोग लेडीज हैं तो यहाँ के जो सूट्स मिलते हैं, यहाँ का फुलकारी और यहाँ के जेवर, आई लव यू अमृतसर। अरे बाबा, आप पुरानी हिस्ट्री बता रही है, आज के बारे में बात कीजिए। आज के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक थोड़ा सा। अरे 50 साल पहले की बात है, वो रहने दीजिए। अभी स्टेज पे सवाल जवाब होगा तो ये सवाल के जवाब आप बहुत मिलेगा ऑन द स्टेज। दो अपने गाने, एक किसी गाने के बोल सुना दें, इफ यू वांट, कुछ किसी भी गाने के। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ये थी जीनत अमान, खास तौर पर फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में पहुंची हैं। आज इनके लिए खास कार्यक्रम भी रखा गया है फिक्की फ्लो की तरफ से। मैम एक सवाल, जीनत अमान फिल्म अदाकारा आज फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में पहुंची हैं। फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन जो अमृतसर की हैं, चैप्टर की, हमारे साथ हैं शिखा सरीन, उनसे बात करते हैं आज क्या कार्यक्रम था। नमस्कार जी शिखा जी। नमस्ते सर। शिखा जी, आज बताएंगे, आज जीनत अमान आपके कार्यक्रम में आई हैं, तो आज क्या विशेष कार्यक्रम, क्या है, क्या ओकेजन, क्या था आज? सर फिक्की फ्लो, जैसे कि बहुत सालों से वुमेन एम्पावरमेंट की बातें काम करते आ रहे हैं, सो आज जीनत जी जब हमारे पास आए तो हमने अपनी सिटी के लेजेंड्स को ऑनर करने की एक इवनिंग अरेंज करे थे, जिसमें हमारे शहर के जो मानी हस्तियाँ हैं, जिन्होंने आई थिंक कितने साल लगा दिए शहर के लिए, डॉक्टर जसजीत चाची, लक्ष्मीकांत चावला जी, शुक्ला जी, मिसेस शुक्ला सेठ जी, एंड सनम, डॉक्टर सनम। सो हमारे पास जो ये लेजेंड्स हैं जिन्होंने हमें बहुत इंस्पिरेशन दिए है और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करा है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कुछ भी मकाम हासिल कर सकते हैं, बिकॉज़ वो लेजेंड्स जो आज भी 90 प्लस होकर भी काम कर रहे हैं। सो सुप्रभा आर्या मैम, जिनसे भारती, कपिल शर्मा जैसे स्टार निकल के आए, उनकी मेहनत कारण हम लोग आगे बढ़ पाए। सो ये सारे जस्टिस छाछी आंटी की बात की जाए तो आई थिंक आई वॉज देयर, आई वॉज बॉर्न थ्रू हर, एंड देन मेरे ख्याल नेक्स्ट जनरेशन मेरी भी उधर से है, तो मैं आंटी ही ट्रीटेड एवरीवन, सो दिस इज़ अ लेगेसी वी हैव। सो लेजेंड्स को आज सल्यूट किया गया है फिक्की की तरफ से। इन महिलाओं को सम्मानित करके फिक्की फ्लो खुद को सम्मानित महसूस कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है? एब्सोल्युटली, बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, और ऐसी प्राउड मोमेंट को और चार चांद लग जाते हैं जिनको ऑनर करने के लिए खुद एक लेजेंड जीनत अमान जी, जो अपने टाइम की एक बेहतरीन कलाकार रह चुकी हैं, वो हमारे बीच हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बातें करके हमें बहुत कुछ सिखाया। अच्छा शिखा जी, देख रहा हूँ मैं कि एक यहाँ पर एक एग्जीबिशन टाइप लगा, आपके फेस्टिवल पैलेस में लगाया गया है, इसका क्या मकसद है, क्या इसमें वही लड़कियाँ हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएँ, तो उसके लिए आपकी फिक्की फ्लो कर क्या रही है, दोनों चीज़ें? सर फिक्की फ्लो वुमेन एम्पावरमेंट की ओर पर ही चलती रहती है। सो आज का जो वुमेन एम्पावरमेंट का फेज़ है वो है
हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के पास कैपेबिलिटी है और आज उनको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है वेयर एवरीबडी विल सी देयर कैलिबर देयर वर्क देयर आर्ट पीसेस. सो आई एम सो प्राउड दैट शी इज स्टैंडिंग फॉर शी. एज वी सेड आई थिंक जब फर्स्ट इवेंट आया था तो शी फॉर शी का मतलब ये है कि आज अगर मैं कुछ बिजनेस करती हूँ तो मैं उसको प्रमोट करूँ. सो क्यों नहीं मैं उसका प्रमोट करूँ जो मैं नहीं करती. सो हियर वी आर हियर एज अ फैमिली टू प्रमोट ईच अदर बिजनेसेस. आज कितनी बच्चियाँ हैं इतनी जो स्टार्टअप हैं तो किन आप उनको प्रमोट करने जा रही हैं ये प्लेटफॉर्म देने जा रही हैं. सर अगर ये फुल एग्जीबिशन होती तो आई वुड हैव ओपन इट टू एवरी वन बट वी हैव लिमिटेड इट टू राखी एडिशन. सो हमने जो भी स्टॉल्स लगाए हैं राखी के त्यौहार को अपने थॉट्स में रखकर प्लान करे हैं. सो आज हमारे शो में ऑलमोस्ट 28 लेडीज़ ने अपना वर्क प्रेजेंट करा है. आज का लास्ट सवाल है. एक समय था लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता था. आज भी बहुत सारी ऐसी कुरीतियां समाज में हैं तो क्या फिक्की फ्लो उसके लिए उन कुरीतियों को सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए क्या कर रहा है? सर देखिए ये छोटे छोटे स्टेप जब सब हम उठाते हैं तो बेटरमेंट की तरफ चलते हैं. वो समय था आज ऐसा समय है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ हम कितने सालों से इनफैक्ट आई वॉज इन कॉलेज जब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ. और मेरा दिल करता है आज कि मैं बोलूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बट उसके साथ साथ बेटी को कमाना भी मतलब कमाने की भी योग्य बनाओ. सो आज का एक एम है कि अगर बेटी है हमारे पास तो उसको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का भी फुल हक है वो भी दिया जाए. देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात की है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक स्लोगन तो है लेकिन एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि बच्चियों को उनके पैरों पर खड़ा किया जा सके. कोई भी क्योंकि कोई भी ऐसा ना महसूस करे कि बेटी भार है. लड़के और लड़के में लड़की में कोई फ़र्क नहीं है लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सामाजिक बुराई को मानने को तैयार नहीं हैं. फिर भी फिक्की फ्लो बहुत अच्छा काम कर रहा है जिसके लिए बधाई के बात रहे हैं. आज जीनत तमान खास तौर पर इनके कार्यक्रम में पहुंची हैं इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं. अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट.